फाइनली गुड न्यूज है कि छुचुंदर चूहा हमारा घर छोड़ के भाग गया है। तो इन्होंने भगा दिए चूहे को। बुशरा नीचे कर तू, पूरा नीचे घुमाने खींचना भाई। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, दिवाली हमारी है नहीं, लेकिन दिवाली के दिन छुचुंदर भाग गई पटाखे की आवाज से। ये क्या है, तरफ निकाल के बताओ। ओ बेसन का समझी थी मैं। तो फ्रेंड्स ये तो मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते रहते हैं, लेकिन बेसन के लड्डू ज्यादा अच्छे रहते हैं। ये देख मोहम्मद अली लड्डू। रश्मि जी वाओ, मैं देखा। ये क्या है, मोटी पटाखे चल रहे। मेरे को लगा ये किंडर जॉय है। कितने क्यूट है देखिए। मैं ऐसे ही समझी कि ये किंडर जॉय है तेरे लिए चॉकलेट। तो ये फ्रेंड्स किंडर जॉय की तरह दिख रहा है कि नहीं, मुझे लगा ये चॉकलेट है, लेकिन ये निकला पटाखे। इसको भी फोड़ना है। ये मैं देखी ये सारे शेप ऐसे है जैसे कि कोई फटाका, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है इसमें से कोई नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई चॉकलेट है, लेकिन चॉकलेट नहीं है। हाँ ये मैं उन लोगों को दे दी थी ना, तो आप दूसरा लाए। अच्छा बड़ा बड़ा अभी दिखाया है उसमें। अरे चॉकलेट निकला ना, इसका पूरा वो चूरमा बन गया। अरे इसको फ्रिज में रखो। अरे तो फाइनली चॉकलेट तो मिला। फोड़ के देखिए, अब एक बार फोड़ के देखिए कैसा है। खाना खाएंगे। अरे यम्मी यम्मी खाना लेके आए हैं आप। आज तो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खाएंगे यम्मी यम्मी सब बताते हैं आप लोगों को क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना यम्मी सालन लाए हैं। ये क्या नाम है इस सालन का? बोनलेस चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला, बोनलेस चिकन टिक्का मसाला। एंड ओ अरे आपको आपको तो वो रुमाली रोटी पसंद आती थी ना, फिर आप तो तंदूरी रोटी लेकर आए मेरी पसंद का। यस थैंक यू, सो यम्मी एंड सो डिलीशियस, लाइक जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ, so yummy, so delicious, just looking like a wow. viral का viral चल रहा है, just looking like a wow. मुनल की है वाला शॉट यार, देखो तो क्या gravy मशरूम। तो हम लोग खाना खाने की बात करते हैं friends। मुनल का पीस भी बड़ा। क्या? 10 रुपए। वाह भाई, मुझे लगा मेरे से मिलने आए। तो हमारे रास्ते में देखो ये टायर की हवा निकल गई और ये आया मुझसे 10 रुपीज़ लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप ये इंटरनेट का पावर देखिए, ये सोशल मीडिया का पावर देखिए कि इतने सारे लोग शॉपिंग करने आए हैं। जो मैंने भी डाला था यू नो द जन्नत डिज़ाइनर स्टूडियो शॉप पे के सेल लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग आए हैं हमारे वीडियोस को देखकर। इन लोगों ने भी डाला था इंस्टाग्राम पे, कितने सारे लोग आए इन लोगों को देख कर के। ऑफ़र चल रहा है तो ये सारे हैदराबादीज देखो, बहुत सारे लोग, इन लोगों को बहुत ही पसंद आया ये सारे। इन लोग की जो क्वालिटी थी कपड़े की, जो डिज़ाइनर कपड़े थे इतने सस्ते 500 में 300 में, तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैं फाइनली आई बाहर, मैं कुछ नहीं ले पाई, तो हम लोग आए हॉस्पिटल। एक्चुअली मेरी नेबर जो है उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, ये देखिए ये उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बैठी थी उसके पास। उसकी मम्मी गए थे वहाँ पे मेडिकल कुछ लाने के लिए, दवाई वगैरह। तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई थी, तो उसके बाद हम बाहर आए, फिर हमने कुछ खाया यहाँ से, पिस्ता हाउस गए, फिर हमने वहाँ से कुछ ऑर्डर किया चिकन जिंगर बर्गर और शॉर्मा जूस वगैरह, फिर हम खाकर फिर वहाँ से निकले और घर आए। पहले फ्रेंड्स
मीन्स इनको खाना है शॉर्मा, इसलिए ये नहीं हमारी चीज़ों को हाथ में लगाना, आप जाके शॉर्मा खाना है ना मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली का है, ये ले ले, ये मेरा है। अच्छा लगा, उसमें ये भी है क्या है? उसको निकालना नहीं, उसके साथ सैलेड पत्ता है। फिर भी फोन कर रहे, कभी भी कुछ फायदा नहीं हो आपको मेन्यू बना के, आप खा लिया तो बाहर आ जाओ, मैं यहाँ से देख सकती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये बोल रहे थे मुझे क्या, आप खा के बाहर आ जाओ, और मैं उनको यहाँ से देख ही ली कि बाहर आ जाओ, मुझे उल्लू बना रहे थे आप। तो फ्रेंड्स पिस्ता हाउस में जो शॉर्मा मिलता है, चिकन शॉर्मा ग्रिल करके, वो बहुत ही यम्मी दिखता है। देखिए तो मेरे हस्बैंड को ये खाना था और हमने खाया चिकन जिंगर बर्गर। तो फ्रेंड्स इनको खाना था ये शॉर्मा खाना था, और हमको खाना था जिंगर बर्गर। तो हम खा रहे हैं हमारा जिंगर बर्गर। ये खा रहे हैं अपना शॉर्मा, इन्होंने चिकन शॉर्मा लिया है ना। मेरी गलती है फ्रेंड्स, ये देखो इन्होंने पूरा टी शर्ट पे गिरा दिया है। अगर मोहम्मद अली गिराता तो इसको बहुत डांट पड़ती, अब इनको कौन डांटेगा? मेरे ऊपर डांटेगा। अभी तू इनको डांट, छोटे बच्चे मम्मी कैसे गिरा पूरा खुद की गलती नहीं। तो देखो फ्रेंड्स ये क्या हाल कर दिया है, देखो अगर यही बच्चा गिरा है तो बहुत डांट पड़ती थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये पिस्ता हाउस का केक है जो आप हर एक शेप में, हर एक स्टाइल में, हर एक फ्लेवर में आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये बहुत यमी, ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो पिस्ता हाउस हैदराबाद का मोस्ट फेवरेट फेमस प्लेस है। तो यहाँ पे हैदराबाद में जितने भी लोग रहते हैं सबको पता है कि पिस्ता हाउस बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ से हम चॉकलेट्स, केक्स, बिस्किट्स और बहुत सारी चीज़ें, मिठाई और बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम लोग अंदर जाकर खा कर आए, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल रहती है और बहुत ही यम्मी होता है। तो देखिए चार मीनार नज़र आ रहा है यहाँ से। तो हम लोग यहीं पे प्लेस था, हॉस्पिटल भी यहीं था और वो द जनरल डिज़ाइनर भी यही था, और क्या बोल रही थी मैं, हाँ पिस्ता हाउस भी यहीं पर था। तो कितना जगमगा रहा है ना रात के टाइम हैदराबाद। आई लव हैदराबाद सिटी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स ये है लाट बाज़ार के बैक साइड का जो गली है, ये वहाँ के शॉप्स है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग को हर एक वैरायटी, हर एक डिज़ाइनर कपड़े मिल जाएंगे, आपकी वेडिंग्स, आपकी पार्टी, आपके नॉर्मल वेयर, मीनिंग हर आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। तो हम लोग ये इसी रास्ते से जाए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।